अगर आप लोगों को हमारी दाढ़ी से और टोपी से दिक्कत है तो आप देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाइए। हमने तो भारत को चुना था, आपने पाकिस्तान जाना है तो आप पाकिस्तान जाइए। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान आपको बचा सकते हैं? जाना तो आपको है, आपको हिंदुस्तान में डर लग रहा था ना, आपके भाई जानों को हिंदुस्तान में डर लग रहा था, तो जाइए पाकिस्तान, जाइए सीरिया और जाइए अफगानिस्तान। ये देश सनातनियों का था, ये देश सनातनियों का है और ये देश सनातनियों का ही रहेगा। ये जम्बू द्वीप है, भारत वर्ष है, भरत खंडे आर्य भरत, ये सब हमारा है, अखंड भारत हमारा है। कहीं भी जाएंगे तो हमें ही पाएंगे। इस तरह के बयान मत दीजिए कि आप यहाँ चले जाइए हमारी टोपी से। महाराज हमें तो आपके हर एक चीज से दिक्कत है, पाल रहे ना तो पलते रहिए। जिस दिन काटने की नौबत आ गई उस दिन आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी से दिलासा दे रहे हैं, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अभी तक तो ये था कि शिवलिंग नहीं फुवारा है, लेकिन आज ही एक नेशनल टीवी पे एक मौलाना सरफराज ने बोला कि अगर हमको पहले पता होता कि ये शिवलिंग है तो हम इसको तोड़ देते। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मोहम्मद गौरी के कब्र के सामने रखी थी, ये सब मुसलमानों को पता था, लेकिन फिर भी हर एक मुसलमान वहां पे जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों पर जूता खोलकर मारता था, उसके बाद मोहम्मद गौरी की कब्र पर अपना मत्था टेकने जाता था। आपको इतिहास पता है, हम हिंदू बहुत ही अपने इतिहास से दूर रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास पता है। जहां खोदोगे आपको शब नहीं मिलेगा, शिव ही मिलेंगे। आपको पता था कि वहां हमारा शिवलिंग है, इस वजह से आपने उसे वजूखाना के रूप में स्वीकार किया। आपने हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का और तुम्हारे पूर्वजों ने भी हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का हमेशा से ठीका ले रखा है, और जो कार्य तुम भी करते आ रहे थे पर अब ये कार्य थम गया। अब हम हर एक जगह खोदेंगे और जहां जहां हमारे शिव, हमारे दुर्गा, हमारी लक्ष्मी, जहां जहां हमारा मंदिर है, हम सबको अपने पास वापस बुलाएंगे। ये मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ, अगर आप उसको सहनशीलता से समझे और उनका आदर करें तो उनका नाम था हमारे देश के बहुत सर्वोच्च नेता जो एक कवि भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। आपकी इस घिनौनी टिप्पणी पर मेरा एक जवाब है, उन्होंने संसद में कहा था ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है और यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब बहती हुई गंगा जल में कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये जवाब आपको है, हमारा आराध्य, हमारा, हम हिंदुओं की इतनी सहनशीलता है हमारे मन में, हम कंकड़ में भी भगवान को देखते हैं और आप भगवान को भी कंकड़ मानते हैं। हमारी मानसिकता और आपकी मानसिकता में यही है, यही दिक्कत है। हम औरत को पूजते हैं, हमारे धर्म में औरत को लक्ष्मी स्वरूप, अन्नपूर्णा स्वरूप, दुर्गा स्वरूप का नाम दिया गया है, और आपके धर्म में कुरान में लिखा गया औरत खेती की मशीन है। यही फर्क है आप में और हम में। ओबीसी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, उसके बाद औरंगजेब की कब्र पे फूल और चादर चढ़ाने जाते हैं, आखिर अपने आप को ये औरंगजेब से जोड़ते क्यों, क्या रिश्ता है आखिर इन मुसलमानों का? जाहिर सी बात है, मैंने तो पहले भी कहा ना, ये कह रहे हैं कि हम मुगल की पैदाइश नहीं है, लेकिन मुगल के जितने भी वो दो कौड़ी के बादशाह जिनको ये बादशाह का नाम देते, बादशाह हुकूमत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिनका नाम ये लेते हैं और जिनकी मजारों पर ये चादर चढ़ाने जाते हैं ना, इनको, इनसे साफ पता चलता है कि हमने आपको मुगलों से नहीं जोड़ा, आपने खुद चीख चीख कर बोला है कि हम उसी मुगल की पैदाइश है, तो आज इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए आप उसी मुगल की पैदाइश है और इस वजह से मुगलों से आपको इतना इतना सम्मान है। इनका क्या कार्य रहा है कि कुछ भी फैसला आए हमें नहीं मानना है? अगर मतलब ये वही वाली बात है ना कि अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर दूसरी पार्टी जीती तो ईवीएम हैक हो गया। इनका हमेशा से यही काम रहा है, इनको संविधान मानना है नहीं, इनको देश का कानून मानना है नहीं, उसके बाद इनको चाहिए मस्जिद, किसके बाप की तो है नहीं, तुम्हारे बाप की तो है नहीं। उसी औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ा था, ज्ञान बापी मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया, और उसी बाबर ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था और आज वहां राम मंदिर दोबारा पुनर्निर्माण करवाया गया। तुम्हें इससे दिक्कत क्या हो रही है? एक मुसलमान बता दो कौन सी मंदिर को कलाम ने तोड़ा था? तुमने कलाम के नाम पर कोई पार्टियां बनाई है कभी? नहीं। तुम्हें तो कलाम से दिक्कत है, हम तो आज भी कलाम को पूछते हैं, दिक्कत तो तुम्हें है। क्यों कलाम ने आज तक किसी मंदिर को नहीं तोड़ा? क्यों वहां पे मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया? सिर्फ तुम्हारे मुगलों ने करवाया है जिसकी तुम पैदाइश हो। और इस तरह से टिप्पणी, अभी हमारे देश में जितनी भी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा और जितने मुसलमान उसके विरुद्ध खड़े होंगे,
होंगे कि यहाँ पे मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, मंदिर नहीं बननी चाहिए, वो सब के सब मुगल के ही पैदाइश है। सबूत मिलने के बाद भी, साक्ष मिलने के बाद भी ओबीसी साहब ये कह रहे हैं कि ये 91 एक्ट का जो है उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कितने संविधान को माना था? 91 से एक साल पीछे चली जाइए, 90 में कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ क्या वो संविधान में लिखा हुआ था? 84 में जो सिखों के साथ हुआ था क्या वो संविधान में लिखा हुआ था? महाराष्ट्र के पालघर में आज से 2 साल पहले 16 अप्रैल 2019 में जब 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था क्या वो संविधान में लिखा हुआ था? यहाँ पे रामनवमी के समय जब आपने कई बार पत्थरबाजी करवाए थे, हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी करवाए थे, शाहीन बाग में जो स्थिति पैदा की थी, CNRC के विरुद्ध खड़ा होना, हमारे देश में दंगे करवाना, हमारे देश सब संविधान में लिखा था, तो फिर आपने क्यों करवाया? और अगर करवाया है तो अब सही संविधान के सही रूल को स्वीकार करिए। हम भी भूल गए हैं उस बात को, अब जो सनातनी का है उसे वापस मिलना चाहिए और अब वो मिलेगा। देवबंद में जो इन लोगों ने, मुसलमानों ने जलसा किया, उसमें मौलाना मदनी ने एक बात और कही, शरीयत में जो है दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। हमें भी अपने महाभारत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। अगर आप शरीयत पे चलेंगे तो चलते हैं हम भी महाभारत पर। सोच लीजिए कि अगर एक बार में हम लोग ने भी ये ठान लिया कि हमें महाभारत पे चलनी है तो क्या आपका वजूद रहेगा जनाब? आपका वजूद रहेगा? आप शरीयत की बात करते हैं, शरीयत से चलाएंगे इस देश को? हमारा ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है और इसी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि यदि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए और सारे हिंदू यहाँ रह जाए तभी मैं 1947 में बंटवारे के लिए स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अभी भी इस देश में मुसलमान है, कौन है ये, कौन है? अगर आपको हमारे मंदिरों से दिक्कत है तो जाहिर सी बात है आप उसी मुगल के पैदाइश है और उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारा वहाँ शिवलिंग था, है और रहेगा। शुक्र करिए कि हमने आपको माफ कर दिया है कि आपने इतने सालों तक वहाँ पे वजू किया और हमने आपको माफ कर दिया है। अब ये माफी के काबिल नहीं होगा, अब बस आप इस चीज का इंतजार करिए कि कब अगला मस्जिद का खुदाई होगा और कब हमारे आराध्य दोबारा वापस आएंगे।